खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार के मास्टर स्ट्रोक के बाद अब आप देख सकते हैं कि जम्मू में किस तरह के जश्न का माहौल है। लोग यहां न सिर्फ ढोल नगाड़े बजाकर खुशियां मना रहे हैं बल्कि यहां एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई जा रहे हैं। लगातार यहां पर जो है केंद्र सरकार की कश्मीर पर इस सर्जिकल स्ट्राइक का जो है वो स्वागत कर रहे हैं। अशोक जी, आप इसे कश्मीर पर केंद्र की सर्जिकल स्ट्राइक मानेंगे? मैं इसको सर्जिकल स्ट्राइक का बाप मानूंगा। 1972 के बाद आज हमको पहली आजादी प्राप्त हुई और 1947 से हम गुलाम थे और 1972 के बाद जो आज प्राप्त हुई है आज वो जश्न के माहौल के अंदर बदल हो गई। आज जो हम कह रहे हैं हम जश्न मना रहे हैं, आजादी का जश्न है। एक आजादी हिंदुस्तान को हुई, दूसरी जम्मू कश्मीर की हुई। धन्यवाद है मोदी का, धन्यवाद है अमित शाह का, धन्यवाद है पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए मेंबर पार्लियामेंट का, सबका धन्यवाद और जम्मू कश्मीर की जनता को आजादी दिलवाने का धन्यवाद। इसलिए आज जश्न का माहौल है और जश्न इंतजार किया आपने 72 वर्ष इंतजार करा जी 47 के अंदर। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर इंसाफ होगा ही नहीं। आप भी खुश हैं? हम भी खुश हैं जी, हम आजाद हो गए आज। किससे आजाद हो गए? ये आज 72 साल से तब तक गुलाम थे यहाँ के, ये गुलामी से, कश्मीर गुलामी से। बहुत खुश है सर, आज हमारा 370 एक्टिवल खत्म कर दिया गया है, इससे हमें बहुत खुशी है और आज हमारा जम्मू स्टेट है जो बहुत अच्छा हमें लग रहा है कि देश के साथ हम पूरी तरह मिल चुके हैं। तो बहुत धन्यवाद है मोदी जी का। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस मास्टर स्ट्रोक को जो आज केंद्र सरकार ने मारा है? 56 इंच का सीना सिर्फ कहने के लिए नहीं है, जमीनी स्तर पर भी है। एक ऐसा नासूर जो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ झुंडे नहीं देता था, अलग करके रखा था। अरे कौन सा ऐसा प्रदेश होता है जहां पर अलग कानून, अलग झंडा, हिंदुस्तान का झंडा अगर जला दिया जाए तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब ऐसा नहीं होगा, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, अब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आएगा, डेवलपमेंट होगी, नौकरियां आएंगी। जो जम्मू का यूथ उठ करके बाहर जा रहा था, जिसके कारण वर्ष एक पलायन हो रहा था, वो नहीं होगा। और पत्थरबाजों सुधर जाओ, अब कश्मीर का राज नहीं है, पाकिस्तान का राज नहीं है, अब हिंदुस्तान का राज है। और ऐसा राज है जो यहाँ पर सिर्फ तरक्की दिखाएगा। और लद्दाख के विषय में ये कहना चाहता हूँ, एक ऐसा इलाका, एक ऐसा हिस्सा जो हमेशा कट करके रहा, अब वहाँ पर भी तरक्की होगी, वहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर जाएगा और वो हिंदुस्तान के साथ साल के 365 दिन के लिए जुड़ा हुआ रहेगा। तो आप देख सकते हैं जम्मू में इस फैसले के बाद जो मास्टर स्ट्रोक मारा है मोदी सरकार ने, उसके बाद किस तरह यहाँ जश्न का माहौल है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय वास्तु, एबीपी न्यूज जम्मू।